नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। फरुखाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य को तत्काल वापस लेने की मांग जिला मुख्यालय पर धरना एवं ज्ञापन के जरिए उठाई गई। धरने में कांग्रेस प्रदेश सचिव कनिष्ठ पांडे मौजूद रहे। आज हम कांग्रेस जन जो है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लगातार लगभग 21 दिन से डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेके हम लोग ये धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। आज जो समय महामारी का है और लोग बहुत परेशान हैं, उस समय को देखते हुए केंद्र सरकार को डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन केंद्र सरकार मनमानी पर उतारू है, आम आदमी का शोषण करने पर उतारू है। हम आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के दाम जो लॉकडाउन से पहले थे मार्च में, वो करने की मांग करते हैं और उत्पाद शुल्क में जो बढ़ोतरी हुई है उसको भी कम करने की मांग करते हैं। हम आज ये बताना चाहते हैं कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय पेट्रोल और डीजल पे जो उत्पाद शुल्क था, पेट्रोल पे 9.20 रुपये और डीजल पे 3.46 रुपये उत्पाद शुल्क था। जब हम आज बात करते हैं उत्पाद शुल्क की, तो डीजल पे उत्पाद शुल्क है 28.37 रुपये और पेट्रोल पे उत्पाद शुल्क है 23.78 रुपये। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। और इन 6 सालों में 2014 से आज 2020 तक जब बीजेपी की सरकार है, इन 6 सालों में इन लोगों ने जो उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की है, उससे 18 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाए हैं। निश्चित रूप से आज की पोजीशन देखते हुए जितनी इनकी निंदा की जाए वो कम है। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट हुई है। आज तेल जो है 43.71 प्रति डॉलर है, जबकि जब 2014 में कांग्रेस की सरकार जब ख़त्म हुई थी, उस समय 108 रुपये प्रति डॉलर रेट था। एक बैरल का मतलब है 159 लीटर से, और जो रेट के हिसाब से हम आज की बात करेंगे तो करीब 3300 रुपये 159 लीटर के रेट से हिसाब से 3300 रुपये आएगा। और 3300 रुपये के हिसाब से 1 लीटर का जब हम दाम लेके आएंगे बैरल से, तो 20 रुपये कुछ पैसे पड़ेगा। आज हमें जो तेल मिल रहा है कच्चे तेल, वो 20 रुपये कुछ पैसे लीटर में है। उत्पाद शुल्क उस पर 28 रुपये 23 रुपये लगा के रेट को इतना बढ़ा दिया गया है, जो निंदनीय है। निश्चित रूप से आज जो लॉकडाउन से अभी तक रेट में बढ़ोतरी की गई है, वो निंदनीय है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 11-11.5 रुपये डीजल में और 9.5 रुपये पेट्रोल में लॉकडाउन के दौरान डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी की गई है, जो निंदनीय है। आज हम लोग यहाँ इसी को लेके धरने पे बैठे हैं और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के रेट तत्काल कम किए जाएं। जो 5 मार्च 2020 को डीजल और पेट्रोल के रेट थे वो किए जाएं, और उत्पाद शुल्क जो उन्होंने बढ़ाया है उसको कम किया जाए। धन्यवाद सर।